وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم، ومن آياته أن خلقوا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم بيت باهر تلي باهر باهر मेरे मर्जेस मुसलमान बुज़ुर्गोंजीज़ महायो फरोमत मुसलिम के मुकदसम अल्लाह ने अपनी एक नेमत और अपना एक एहसान बतलाया है और वो एहसान अल्लाह करीम का यह है कि मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत ये भी अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है अल्लाह ताला का एक इनाम है आपस की ये मोहब्बत और आपस के एक दूसरे पे रहमत और शफ़कत का माहौल ये अल्लाह का इनाम है, और साथ अल्लाह ये भी बताया कि सारी दुनिया के ख़जाने भी ख़र्च कर डालो और तुम चाहो कि दिलों में मोहब्बत आ जाए तो ये मोहब्बत नहीं आ सकती व्ल्लफा बइन करो बहीम लो अनफा माफिलौद जमी अम्माफाबाइन करो बहीम अला केल्लाह अल्लाफा बैन कि सारी दुनिया के ख़जाने भी खर्च कर डालो और चाहो कि दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत आ जाए तो नहीं आ सकती ये जो हलाल रिश्तों की मोहब्बत है ना बेटे की माँ से बेटी की माँ से बेटे के बाप से बाप की बेटे से बहन और भाई की मियाँ और बीवी की जो मोहब्बत हलाल मोहब्बत है ये जो इबादत मोहब्बत है ये जो इबादत मोहब्बत है इसकी बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत है जो हलाल मोहब्बतें हैं ना ये वही होती हैं और वही पायदार होती हैं और वही मुस्तकब होती हैं जहां अल्लाह की मोहब्बत मुस्तकब हो और जहां अल्लाह की मोहब्बत मजबूत हो कोई घर नहीं मिलेगा कि वो घर अल्लाह की मोहब्बत से खाली हो व घर वाले आपस में मोहब्बत से रह रहे हैं, नहीं मिलेगा कोई घर कहीं नहीं मिलेगा न कोठी में न झोपड़ी में चाहे वो मिया बीवी चालीस साल से रह रहे हैं लेकिन अल्लाह की मोहब्बत उस घर में नहीं तो उन आदम के आपस में मोहब्बत नहीं है ये पत्थर पे लकीर है चाहे वो मिया बीवी साठ सत्तर साल से उस घर में रह रहे हैं लेकिन वो घर अल्लाह की मोहब्बत से खाली है तो उनके दिल भी एक दूसरे की मोहब्बत से खाली है बेटे को बाप ने जवान किया सारे खर्चे किए खून पसीने का पैसा लगा दिया लेकिन नादान बाप ने अपने बेटे को अल्लाह की मोहब्बत नहीं दी और वो माहौल नहीं दिया तो वही जवान बेटा जब उसकी जेब में पैसा होता है तो बाप को अपनी जिंदगी में बोझ समझता है बाप को अपनी जिंदगी की मुसीबत समझता है कि देखो ये शाम बन के बैठा है मरता क्यों नहीं जितने खून पसीने से पैसा लगाया लेकिन उससे नादानी यह हुई कि उसे अपने बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत का तोहफा नहीं दिया आज उसका रिएक्शन देख रहा है चालीस साल के बाद पचास साल के बाद साठ साल के बाद कहता है न होता तो अच्छा था मिया जिंदगी के तीस साल एक दस्तरखान पे खाते पीते हैं पचास साल एक छत तले रहते हैं लेकिन वो घर अल्लाह की मोहब्बत से खाली है कसम खुदा की वहां दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत नहीं हो सकती आज ये मुसलमान है अपने बच्चों के घर बसाना चाहता है माँ भी चाहती है मेरी बेटी खुश रहे बाप भी चाहता है मेरे घर में बहू आके खुश रहे मेरा बेटा खुश रहे घर बसाना चाहते हैं ये माँ बाप अपने बच्चों के लेकिन ये समझते हैं इनके घर बस जाएंगे अच्छी आमदनियों से अच्छे रोजगार से अच्छे स्टेटस से अच्छे फर्नीचर से अच्छे घर से अच्छी आमदनी से ये इनकी समझ का कसूर है इनकी समझ का कसूर है अगर इन चीजों से घर बनते ना मेरे अजीज हो तो मगरब में जहां डॉलर फोर्ड की कहानियां हैं वहां दूसरे घर में तलाक ना होती झोपड़ियों में तलाकें होती कोठियों में ना होती फिर सिर्फ कम आमदनी वालों आ होती जहां आमदनियों के ढेर जहां डॉलर डालौड़ जहां फैक्ट्रिया कारखाने हैं वहां तलाकें है ना होती किसने कह दिया भाई कि पैसों से दिल जुड़ते <laughs> किसने कह दिया मोटे ताफे मोटे बढ़िया किस्म के जहेजों से दिल जुड़ते हैं <birds> किसने कह दिया कि बड़ी तनख्वाहों से दिल जुड़ते किसने धोखा दे दिया भाई कि बड़े घरों से दिल जुड़ते हैं दिल तो अल्लाह की मोहब्बत जब दिलों में आती है तो तब हलाल मोहब्बतें परवान चढ़ते दिल तो इससे जुड़ते अपने बच्चों को की शादियाँ खुशियाँ बसाना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं अल्लाह की मोहब्बत की भी न लगे तो कैसे बसेंगे लड़की भी कमाती है लड़का भी कमाता है दोनों अदालत में खड़े हैं वो रहना नहीं चाहती ये रखना नहीं चाहता पहले सिर्फ लड़के तलाक दिया करते थे अब लड़कियां भी खुला मांगती दोनों कमाते आमदनी दोनों को आ रही है दोनों पढ़े लिखे हैं डिग्रियां भी दोनों के पास है लेकिन बदनसीबी है दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली जिससे दिल जुड़ा करते थे जिससे हलाल रिश्ते परवान चढ़ते थे जिससे हलाल रिश्ते रहते थे जिससे हलाल मोहब्बतें तरक्की किया करते थे वो नहीं है दरख्त की जड़ें खुश्क हो तो बताइए कभी शाखे भी हरी भरी होती है कभी शाखों पर भी ताजे पत्ते आते हैं फूल खिलते फल आया करता है जब जड़ सूखी हुई है हलाल मोहब्बत की जड़ तो अल्लाह की मोहब्बत थी वो तो है नहीं फिर हलाल रिश्तों में मोहब्बतें कहां से आएंगी मफादात के ताल्लुकात ज्यादा देर तक नहीं रहते चेहरे का जोग्राफिया बदल जाया करता जेबें खाली हो जाया करती है कारोबार ऊपर नीचे हुआ करते हैं आमदनियों के हालात बदलते रहते हैं अगर रिश्तों की बुनियाद ये नापायदार चीजें होंगी तो घर नहीं बना करता चेहरे का जोग्राफिया बदल जाया करता है। जेबी भी, भी खाली हो जाया करती है कारोबार भी नीचे हो जाया करता है लेकिन जब मफादात की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं तो फैक्ट्री क्या बैठी है घर भी बैठ गया कारोबार क्या खत्म हो गया रिश्ता भी खत्म हो गया यही तो वक्त था कि हलाल रिश्ता उसे हौसला देता साथ खड़ा होता हिम्मत बढ़ाता दुख दर्द में शरीक होता गम पटाता साथ चलता लेकिन रिश्तों की बुनियाद तो वफादात है ना खुलूस तो है नहीं सिर्फ फलूस है फलूस तो कभी होते हैं, कभी नहीं होते खलूस नहीं है मेरे अजीजो इस दीन से सिर्फ आफरत नहीं बनती दुनिया भी बड़ी खूबसूरत होती है अल्लाह की मोहब्बत से अल्लाह के ताल्लुक से सिर्फ जन्नत नहीं मिलती दुनिया की जिंदगी भी जन्नत बनती है क्या जन्नत में सबको मोहब्बतें मिली तो जो अल्लाह को दुनिया में पा लेता है उसे दुनिया के अंदर भी मोहब्बतों का माहौल मिलता है अल्लाह की मोहब्बत इससे हलाल मोहब्बतें रहती हैं भाई चाहे वो बहन भाई की मोहब्बत चाहे बाप बेटे की मोहब्बत चाहे माँ बेटी की मोहब्बत है चाहे मिया बीवी की मोहब्बत है ये सारे हलाल मोहब्बतें जो इबादत है इसकी बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह ताला से ताल्लुक है उसमें कितना इस्तेहकाम है उसमें कितनी मजबूती है वो कितना पायदार है इतनी हलाल मोहब्बतें पायदार इतनी हलाल मोहब्बतों में इस है तो मेरे हो आज सब कुछ है यही अल्लाह से मोहब्बत और ताल्लों की तो नहीं है ना इसलिए बड़ी अरमानों से मैं अपनी बच्चियों को भेजती है खुशियां कितनी देखती हैं कितने उम्मीदों से बाप अपने घर में बहू लाता है बेटे की जिंदगी में बाहरें कितनी देखता है ऊंच नीच हो जाती है किचन में बर्तन हो तो आवाज तो आती है ना जब घर में इकट्ठे रहते हैं तो ऊंच नीच हो जाया करती है आवाज आ जाया करती आवाज आ जाया करती, जाय करती है लेकिन अल्लाह से ताल्लुक अल्लाह की मोहब्बत यह कैसी दौलत है सुबह कभी वो शुक्र करती है कभी ये शुक्र करता है कभी वो सबर करती है कभी ये सबर करता है जिंदगी शबर शबर से गुजर जाती गुजर जाते एक बुजुर्ग थे अपनी अहलिय के साथ बैठे हुए थे और रंग के इतने साफ नहीं थे अहलिए को देखकर कर कहने लगे तू तो जन्नती है उसकी तबीयत पे बोझ था कहने लगी कि मेरी किस्मत खोटी तू आ गया मेरी जिंदगी में जन्नती तो तू है तुझे हूर परी जैसी बीवी मिल गई तेरी नसीब से मेरी जिंदगी में तू आ गया वो कहने लगे नहीं तू भी जन्नती, मैं भी जन्नती मैं तुझे देख के शुक्र करता हूं तो मुझे देख के सबर करती है सबर शुक्र दोनों जन्नती है जब दीन होता है ना मेरे प्यारों तो कभी कोई सबर करता है कभी कोई शुक्र करता है जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है लेकिन दीन हो ना भाई सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम तो दीनदारी नहीं है ना पगड़ी दाढ़ी रखने का नाम तो दीनदारी नहीं है ना दीनदारी तो नाम है किसी का हक ज़्यादा करो किसी की हक तलफी ना करो किसी की हुकूक ज़्यादा ना करो ना अल्लाह के ना बंदों के ये दीनदारी है खौफ खुदा ऐसा है अल्लाह का डर ऐसा है वो अदायगी पे खड़ा कर रहा है कि मियाँ हक अदा करना है बस औकात की जिंदगी ऐसी होती है कानून की रसाई भी नहीं होती लोगों की नजरें भी नहीं होती लेकिन इस मौके पे शोर बीवी का हक जाया ना करे और बीवी अपने शोर के हक में खियानत ना करे क्या चीज है Allah का खौफ कानून की रसाई नहीं है लोगों की नजरे नहीं है किसी का डर नहीं है अल्लाह का खौफ बीवी शोर का हक जया ना करे और शोर बीवी के हक तल्फी ना करे अब ये खलवतों में तनइयों में कौन सी चीज ऐसी है जो तो एक दूसरे के हकूक पे खड़ा कर सकते ये दीनदारी है ये है तीन दारी ये है खौफ खुदा बसूरी रहमतल से एक शख्स आया का बैठी है जवान है रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कहा रिश्ता दू और ऊंचे घरानों के रिश्ते आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा फरमाया जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है वह अपनी बच्ची दे दे अगर मिजाज मिल गया तो बहुत अच्छे तरीके से रखे और अगर मिजाज न भी मिला तो कम अज कम जुल्म तो नहीं करेगा दीनदारी दीनदार जालिम तो नहीं होता दीनदारी जुल्म तो नहीं करने देती किसी का हक तो नहीं जाया करने देती दीनदारी तो इसका नाम है भाई नमाज रोजे का नाम तो नहीं है पगड़ी दाढ़ी का नाम तो दीनदारी नहीं है दीनदारी जोर नहीं करने देती दीनदारी हो क्या उसको दे दो तो अपने बेटे। मिजाज मिल गया बहुत अच्छी तरीके से रखेगा मिजाज नबी भी मिला जुलूम तो नहीं करेगा तो हम जिंदगी बसाना देखना चाहते हैं लेकिन दीनदारी के देखना चाहते हैं हम समझते हैं पैसों के जोर पे हो जाएगा स्टेटस के जोर पे हो जाएगा जहेज के जोर पे हो जाएगा आमदनियों के जोर पे हो जाएगा और जब शादियां करते तो यही चीजें तो देखते यही चीजें तो देखते और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना लीदीन हा तुम दीनदारी देखा करो तुम जब रिश्ते करो तो दीनदारी देखा करो तुम जब रिश्ते किया करो तो दीनदारी देखा करो जहनीत बदल गई है मुसलमानों की भी जहनीत बदल गई है उन्हें भी अपने दीन पर ऐतमाद न रहा कि मेरे बच्चे और बच्चियों की जिंदगी मेरे घर दीनदारी से बनेंगे मुसलमानों को भी अपने दीन पर एतम न रहा कि इससे अगर जिंदगी बदती है तो अल्लाह ताला से मोहब्बत बढ़ाई इसको अपने बच्चे बच्चियों को इसकी तोहफा दे इसका तोहफा दे ताकि उसकी जिंदगी हमेशा अच्छी गुजरे अगर इस दौलत के साथ दुनिया भी मिल जाए हुसन भी मिल जाए कोई बुरा नहीं लेकिन इस दौलत के बगैर सारी चीजें उनका कोई वजन नहीं जिंदगी को खूबसूरत बनाने में जिंदगी को खुशगवार बनाने में दीनदारी के बगैर किसी चीज का कोई वजन नहीं है हम कहते हैं बहुत तरक्की करनी चाहिए हमें तरक्की करनी चाहिए और हमारे जहन में तरक्की होता तरक्की का जहन यह था कि खूब मादी असभाव पड़ जाए हा? तो बताइए पचास साल के मुकाबले में तो गरीब अमीर ने तरक्की की है माल के, के लिहाज से चीजों के लिहाज सब ने तरक्की बताइए पचास साल पहले अजवाजी वी जिंदगी ज्यादा कामयाब थी या आज पहले मोहब्बत पायदार थी आज, आज। मुसलमानों की तरक्की भाई दीनदारी से हुआ करती है मुसलमानों की तरक्की दीनदारी से हुआ करती है बगैर दीनदारी की तरक्की काफरों क्या तो होती है मुसलमानों क्या नहीं होती उनके यहां जिंदगी है कोई तस्वर नहीं है मिया बीवी का बाप बेटे का बहन भाई का उनके तो तो तस्वर ही खत्म हो गया खानदानी जिंदगी घरेलू जिंदगी बाप बेटे की जिंदगी इसको तो तस्वुर ही खत्म हो रहा है वहाँ अब तो वहाँ ऐसी मखलूक पैदा हो गई साठ सत्तर फीसद बाद शहरों में ऐसा है कि जिनके ना बाप का पता ना माँ का पता ऐसी औलाद परवान छुड़ परवान हो चुकी है तो ये तरक्की चाहते हैं आप ऐसी तरक्की चाहिए मुसलमानों की तरक्की तो अल्लाह के दीन के साथ होती है जिससे उनके रिश्तों की मोहब्बतें बढ़ती हैं घर आबाद होते हैं कितना खूबसूरत तस्वूर दिया है अजवाजी जिंदगी का कुरान ने रही है वजुब दू एक दूसरे को एक दूसरे से सुकून मिले अब ये सुकून कहाँ मिलेगा यकीन जाने ये सुकून दीवारों से नहीं मिलता अच्छे लिबास से नहीं मिलता बताइए एक बहुत अच्छा हीरे पहन के आई ज्वेलरी अच्छी लिबास बहुत कीमती लेकिन उसका दिल अपने शहर की मोहब्बत से खाली तो बताइए एक शहर को एक शरीफ आदमी को उसके पैरों में सुकून मिल सकता है और शोर की आमदनी बहुत है लेकिन उसकी आंखों में अपनी बीवी के लिए वफा नहीं है और अपने दिल में अपने शोर की बीवी की कदर नहीं है तो बताइए इस बच्ची को इस शरीफ बच्ची को इस मर्द के पहलू में सुकून मिल सकता है सुकून चीजों से नहीं मिलता भाई लेकिन हमारा जोर और तवज्जो कहाँ होती है चीजें अच्छी हो जाए अरे भाई मेरे बच्चे बच्चियों का दिन अच्छा हो जाए अच्छी हो जल्दी तो सुकून हो मिलेगा इन्हें एक दूसरे से और दिल में जब तक वो ना हो खड़ा सुकून मिलता है एक दूसरे से दोस्तों में मजा आता है घर में तबीयत और खराब हो जाती है सारी मुस्कुराहटे बाहर हैं और सारा गुस्सा गर्म में है उसकी जबान की कड़वा उसकी जबान की सारी मिठास गैरों के लिए है और सारी कड़वाहट अपने शोर के लिए जब मोहब्बतें पतली होती है ना जब मोहब्बतें पतली होती तो ऐप मोटे होते जब मोहब्बतें पतली होती हैं तो ऐप मोटे लगते हैं और जब मोहब्बत बढ़िया होती है तो ऐप भी खूबियां बन जाती ऐप भी हुनर बन जाते हैं। घर के सेन में औरत चारू दे रही थी एकदम ऊपर तो देखा तो कोई उड़ता हुआ नजर आया फिजा में तो ये औरत बड़ी हुई बड़ी करामत है हवा में उड़ रहा है ये बुजुर्ग थोड़ी देर के बाद शोहर आया का बुजुर्ग तो ऐसे होते हैं हवा में उड़ रहे थे कहा मैं ही तो था तभी इसलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे टेढ़े टेढ़े उड़ रहे तो जब मोहब्बतें पतली होती हैं ना भाई ऐप मोटे होते और जब मोहब्बत हो तो ऐप भी खूबियां बन जाती भी हुनर बन जाता है मोहब्बतें से दिल खाली हो तो आदमी दूरबीन लगाता है ऐप तलाश करने के लिए और दूसरी खुदबीन लगाती है मोहब्बत तो आती है अल्लाह की मोहब्बत के सदके मोहब्बत तो आती है जब दिलों में अल्लाह से ताल्लुक और मोहब्बत हो फिर हलाल मोहब्बतों का मीठा फल मिलता है फिर मीठा फल मिलता है और दिल हल्ला अल्लाह की मोहब्बत से खाली हो फिर जो हराम मोहब्बतें मिलती है ना वो हकीकत में मोहब्बतें नहीं होती वो फिस्क होता है फिस्क वो बीमारी होती है वो जो हराम मोहब्बत होती है वो बीमारी होती है उसमें बड़ा मजा आता है लेकिन इतना ही मजा आता है जितने खारिश करने वाले को मज़ा आता है। फिर उस हराम मोहब्बत के अंदर जलन होती है और उस जलन का असर होता है कि गालें पिचक जाती हैं आंखें अंदर लगने जाती हैं रातों की नींदें उड़ जाती हैं अंदर का सुकून खत्म हो जाता है ये उस आराम मोहब्बत का रिएक्शन होता है सुकून ख़त्म हो जाता है और जब यहाँ अल्लाह की मोहब्बत हो और इससे हलाल मोहब्बतें परवान चढ़े सुबह अल्लाह चेहरा चमक जाता है की चमक अच्छी हो जाती है और इस दिल में सुकून आ जाता है इस दिल में सुकून आ जा तो अल्लाह की मोहब्बत से हलाल मोहब्बतों में इसकाम अजवा चल तस्कुनू हुई रही है सुकून मिलता है तुम्हें एक दूसरे से वजुद फिर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल देते इस रिश्ते में मोहब्बत डाल देते पहले कितना अच्छा वक्त होता था कि माँ बाप ही तजवीज़ कर लिया करते इजाज़त जरूर लेना चाहिए ये बच्चे का भी हक हाँ है बच्ची का भी हक हाँ है उसकी खुशी जरूर देखनी चाहिए लेकिन बड़ों को अपना तजुर्बा भी दिखाना चाहिए अपनी खैर खाई भी देखनी चाहिए कि बच्चे गलत फैसले नहीं कर तो पहले बड़े देखते थे जिंदगी में बस औकात बात भी नहीं की होती थी देखा भी नहीं होता था। लेकिन रिश्ता होने की देर थी दिल में ऐसी मोहब्बत होती थी जिंदगी भर मोहब्बत ही रहती थी और ये कौन डालता था अल्लाह अल्लाह तो कहता हम मोहब्बत डाल देते देखा भी नहीं जानते भी नहीं बात भी नहीं हुई और अल्लाह रे मोहब्बत डालते पहले जो शादियां होती थी शादी के बाद मोहब्बत होती थी और अब शादी से पहले मोहब्बत होती जो कि हराम होती है पहले मैरिज के बाद मोहब्बत होती थी अब मैरिज से पहले हराम मोहब्बत होती है अल्लाह खाने की एक मकदार रखी है पीने की एक मकदार रखी इसी तरह अल्लाह इज़त ने जवानी के मज़े की भी एक मकदार रखी अभी जो हलाल की मकदार है इस मकदार से अगर कुछ हराम खा लिया इतने हलाल से मरूम हो गया ये जो पीने की मकदार है इसमें से कुछ हराम पी लिया इतना हलाल से मरूम हो गया ये जवानी की जो मोहब्बत है ये जो अजवाजी ज़िंदगी का लुत्फ है अगर इससे पहले इसको हराम में खर्च कर दिया इस मोहब्बत को तो भाई जब शादी हुई तो हलाल का कोटा तो खत्म ही कर दिया था इसमें आराम में अब कहां की शादी रहेगी वो तो कोटा ही खत्म हो गया और ये हराम मोहब्बत ही को फजूर तब आता है जब ये दिल अल्लाह की मोहब्बत से इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत हलाल मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं हराम की वहां कोई गुंजाइश नहीं होती लेकिन जब यहां सियाही होती है जुल्मत होती है तारीकी होती है फिर हराम में मजा आता है हराम की तरफ दिल खिंचता है जब यहां जुल्मत होती है तो जुल्मत की तरफ दिल खिंचेगा ना जब यहाँ अल्लाह की मोहब्बत का नूर होगा तो हलाल रिश्ते जिनसे मोहब्बत करना इबादत फिर दिल उन रिश्तों की तरफ खिंचेगा औलाद से मोहब्बत होगी मां बाप की अजमत और मोहब्बत होगी बीवी से मोहब्बत होगी बहन भाई का ख्याल होगा ये मोहब्बतें परवान चढ़ेगी हलाल मोहब्बत तो यहां अल्लाह ताला की कितनी मोहब्बत है उसी की बकदर हलाल मोहब्बत होगी मिठास नसीब तुम्हेरेजीजो तो दीनदारी से तो दुनिया भी जन्नत बनती मोहब्बतें आती हैं दिल जुड़ते हैं रिश्ते इकट्ठे होते हैं बच्चे बच्चियां खुश रहती हैं दीनदार बना दो ने। हम तो उन्हें पढ़ाते भी हैं सिखाते भी हैं कवाई भी, भी लगाते हैं रोज़गार भी देते हैं और खुश हो जाते हैं कि बस इसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी अरे इन चीज़ों से ज़िंदगी बननी होती ना भाई हाँ तो अल्लाह को ये दीन भेजने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये दीन हमारे लिए इतना जरूरी है जैसे जिंदगी के लिए हवा पानी रोशनी जरूरी है दीनदारी हमारी जिंदगी के लिए इससे ज्यादा जरूरी है भी ज्यादा जरूरी है पजाला बिना यह है अजवाजी जिंदगी मोहब्बत शफ़क़ जब तक जवान रहते हैं तो इनकी जिंदगी मोहब्बत के साथ गुजर रही होती और जब ये बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखते हैं तो अब वो मोहब्बत शफकत से बदल जाती है अब मोहब्बत की वो बात तो नहीं होती ना अब शफकत होती है कि ये बूढ़ी इस बूढ़े का ख्याल करती है कि इसने अपनी सारी जवानी मेरे खातिर कुर्बान की और ये बूढ़ा इस बूढ़ी पे शफकत खाता है कि इसने अपनी जवानी मेरी दहलीज पे कुर्बान कर दी रिश्ता ऐसा खूबसूरत सफर करता है कि कभी मोहब्बत के पराये में जिंदगी गुजरती है कभी शबकत के पराये में जिंदगी गुजरती और अल्लाह की मोहब्बत ना हो मफादात का ताल्लुक हो तो पहले ये उसको तंग करता है जब उसके बच्चे जवान होते हैं तो फिर इसकी खैर नहीं होती थे? वो अपना सारा बदला चुकाती है पहले ये उसे परेशान रखता है खौफे खुदा नहीं है खतजया करता है अक तलफी करता है जुल्म करता है और जब वो ताकत में आती है बच्चे जवान होते हैं दस्ते बाजू होते हैं फिर इसकी खैर नहीं होती फिर वो इसे बर्दाश्त नहीं करते वो सब एक हो जाते ये कौन सी जिंदगी जिस मियाँ बीवी की बरकत से अल्लाह ने औलाद दी आज वही औलाद मेरे दरमियान दुश्मनी का बायस बन गई ये बेदीनी का नतीजा ये दीनदारी से दूरी का नतीजा है औलाद तो रिश्तों की मोहब्बतों को पढ़ाती है औलाद से तो रिश्तों में और इस्तेकाम आता है लेकिन दीनदारी हो ना दीनदारी अगराज की बुनियाद पर रिश्ते करेंगे मफादात को सामने रखकर रिश्ते करेंगे मादियत को सामने रख के कर रिश्ते करेंगे पायदारी नहीं है पायदारी नहीं इसलिए अल्लाह के नबी फरमाया करते हैं, दीन को देखो भाई और मेरे अजीजों दीन की तारीफ यह है कि खौफे खुदा हो अल्लाह का भी हक जाया ना करे और मखलूक का भी हक जाया ना करे औरत का हक है वो तारीफ सुनना चाहती है वो तारीफ सुनना चाहती है। औरत का हक है कि उस घर में उसकी इज्जत मजरू न हो ये औरत का हक है औरत का हक है कि वो अपने शौहर की तवज्जो चाहती है ये औरत का हक है तवज्जो चाहती है तारीफ सुनना चाहती है उसकी इज्जत ना उस घर में ना हो अब क्या होता है उसे ताने भी मिलते हैं ताने भी मिलते रहते हैं। उसकी इज्जत नस्वी बजरू होती है तो चालीस साल भी गुजर जाए तो उस घर को अपना घर नहीं बनाएगी जख्म लगते हैं जख्म और जब सबकी गैरों की, की तारीफ उसके सामने करे और उसकी तारीफ ना करे बताओ अंदर आग लगेगी नहीं लगेगी वो भी तो एक इंसान है तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी गैरों की तारीफ करे और तुम्हारी बुराई करे तुम्हें तो तो आग लगेगी तो उसको भी तो आग लगती है वो भी तो इंसान है उसकी भी तो जज्बात है उसकी तारीफ करो सवाब मिलेगा उसे खुश रखो ना इबादत है ना उसकी तारीफ करो वो सब कुछ करने के लिए तैयार है औरत कमजोर जात है वो तारीफ की भूख ही होती है उसे कर लो जो मर्जी काम करा लो कुछ भी करा लो लेकिन ये नादान सबकी तारीफ है करता है उसकी तारीफ नहीं कर ये उसका हक है फितरती हक है उसकी इज्जत नफ्स महफूज हो उसे तोज्जो मिले उसको तारीफ उसकी तारीफ करो अच्छाइयों की तारीफ करो वो ये सुनना चाहती है, और ये इबादत है सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम किन मुश्किलात से घर में तशरीफ लाया करते थे कितने दुश्मन थे कितने आपके हासित थे कितने आपके रास्ते में रोड़े अटकाने वाले थे आपकी जिंदगी के लिए कितने मसाइल खड़े करने वाले दुश्मन मौजूद थे लेकिन मेरी और आपकी रूहानी अम्मा ऐशा फरमाती रजी अल्लाह घर में आते तो मुस्कराते चेहरे के साथ क्या होता कि सारे घर के काम काज से ये खातून थकी हुई अपने शोर की मोहब्बत भरी मुस्कराट दे सारी थकावट दूर हो जाए और उसका प्यार भरा इस्तेकबाल देखे तो बाहर की सारी मुशक्कतें भूल जाए लेकिन ये तो वहां होगा ना भाई जहां अल्लाह का खौफ होगा जहां अल्लाह की मोहब्बत होगी जहां दीनदारी होगी फिर वहां घरों में ये मोहब्बतों की फिजा होगी वो तो कांटे हो गएंगे नफरतों के बदगुमानियों के चुभेंगे चुभेंगे औरत का हक है और शोहर का भी हक शोहर का भी हक है कि औरत अपने शोर की रजा देखे उसके पलकों के इशारे देखे यही औरत की सबसे बड़ी खूबी है कि उसे अपने शोर की मानना आए उसकी मानना आए अब तो सहेलिया भी ऐसी होती है हर बात नहीं माननी उसके काबू में नहीं आना जिसम और लिबास इसके दरमियान फासला कोई नहीं सबसे करीब चीज़ इंसानी जिसम के उसका लिबास फरमा अजवाजी जिंदगी मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है इससे करीबी रिश्ता और कोई नहीं होता हुन्ना लिबास बान तुम लिबास तुम्हारा लिबास तुम उसका लिबास खलवतों में साथ है तन्हाइयों में साथ है आजमाइशों में साथ है इम्तानात में, में साथ है तकालीफ में साथ है बीमारियों में साथ है वो जिंदगी का करीबी साथी है एतम वाली जिंदगी हो बदगुमानी वाली ना हो फ़ासले ना रखो फ़ासलों से बदगुमानी पड़ती है अजवा चल लेते तो मेरे अजीजो ये जो अल्लाह की तरफ से के नाम है ना दिलों में मोहब्बतें आएगी ये अल्लाह की मोहब्बत का समरा है ये अल्लाह इनाम वहां देता है और घरों की मोहब्बत और घरों का सुकून घर ये पूरे माशरे की इकाई है माशरा घरों से बनता है अफराद घरों से माशरे में आते हैं अगर घरों में मोहब्बतें और सुकून होगा तो माशरे में सुकून और मोहब्बतें हो पहले घर ख़राब होते हैं फिर माशरा ख़राब होता है पहले घरों से सुकून उठता है फिर माशरा बेसकून होता है पहले घरों में नफरतों के कांटे उगते हैं फिर मा, माशरा नफरतों का शिकार होता है पहले बदखलाकी घरों में आती है पहले ना इंसाफी घरों में आती है फिर उसके असरात माशरे में पड़ते माशरे को ऊपर से तो नहीं गिरता घर के अफराध माशरे में आते हैं। घर उसकी इकाइयां हैं माशरे और सु तो यहां सुकून होगा यहां मोहब्बतें होंगी तो मोहब्बतों के फूल हर तरफ खिलते चले जाएंगे तो मेरे अजीजों अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाइए हलाल रिश्तों की मोहब्बत बढ़ेगी आप का काम देखना है जबान का काम बोलना है कान का काम सुनना है दिल का काम है मोहब्बत कर ये तो मोहब्बत करता अगर इसे अल्लाह की मोहब्बत न दी तो ये किसी हराम काम में पड़ जाएगा किसी नजायज काम में पड़ जाएगा इसे अल्लाह की मोहब्बत और फिर इसका फल खाओ फिर इसकी मिठास लो कि हलाल मोहब्बतों का लुत्फ लो फिर हलाल मोहब्बतों की मिठास लो लेकिन अल्लाह की मोहब्बत लेकिन बढ़े जगह हलाल मोहब्बत नहीं और आंखों से नजायज देखा हराम देखा जबान से हराम बोल बोले कानों से हराम बोल सुने तो मेरे अजीजों मैंने तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत की जड़ी काट दी फिर याद कहां हलाल मोहब्बत रहेगी फिर कहां हलाल रिश्तों की कदर रहेगी सुनते नहीं, नहीं? शोर ने बीवी को कत्ल कर दिया बीवी ने शोर को कत्ल कर दिए अल्लाह, इस्लाम में कोई इसका तस्वर है मुसलमानों में कोई इसका तस्वर था ये नौबत कहाँ आती है जब आदमी अंदर का दरिंदा बन जाता हराम का इरतकाब कर करके अंदर से दरिंदा बन जाता बाप को मार दिया बेटे ने माँ को मार दिया मुसलमानों में तो इसका तस्वर ही है, लेकिन जब दिल ही पुर्दा हो जाए और उसमें इंसानियत ही खत्म हो जाए तो ये सब चीजें आप सुनेंगे ये सारी बातें कानों में पड़ेंगी फिर वो तो अल्लाह की मोहब्बत आती है जब दिल में तो फिर इन रिश्तों की कदर और इन रिश्तों की मोहब्बत और इन रिश्तों का एहतराम और इन रिश्तों का लिहाज सुबहान अल्लाह नसीब होता है बूढ़ा बाप है औलाद कहता है मेरी जन्नत है बूढ़ी माँ है समझता है इस घर में जब तक ये है मेरे घर में बरकत है औलाद है सुबह अल्लाह मेरे लिए सदकर जारी है, है। इसमें जितना खर्च करूंगा बोशल्ला राजी होगा बोझ नहीं समझता औलाद को लेकिन जब खुद गर्जी आ गई ना तो खुद गर्जी खुद गर्ज आदमी को तो फिर कोई बर्दाश्त नहीं होता जो इसके अगराज में जो इसके मफादात में मुकाबले पे आया वो सब इसकी नजरों से गिर गया चाहे बाप है चाहे भाई है चाहे बहन है जो इसके अगराज के लिए खतरा बन रहा है सब नजरों से गिर जाता ये अगराज का बंदा है अल्लाह का बंदा ना रहा अल्लाह का बंधन तो मेरे अजीजों अपने साथ भी खैर खाई है अपनी औलाद के साथ भी खैर खाई है कि उन्हें दीन का तोहफा दो उन्हें अल्लाह की मोहब्बत की जिंदगी दो उन्हें अल्लाह की मोहब्बत का माहौल दो तो दुनिया में भी तुम उन्हें देख कर खुश हो गए तुम्हें राहत मिलेगी और आखरत में अंदर ही मेरे अजीजों अल्लाह अपनी मोहब्बत के मुबारक तवरत और मुबारक निशान निशान उसका इनाम फ़रमाएंगे अल्लाह रब हम सब को अपनी मोहब्बत नसीब फ़रमाए और अपने प्यारों की मोहब्बत नसीब फ़रमाए आखिर जवाबानलहदिलमी अल्लाह वलिक्हमदकुल्लू वल का शिक्रकुल्लु अल्लाह वलिक्हमदकुल्लू वल का शकुरकुल्लु सुबहल वबी हमदी सुबह ललिम आदल फल्क़े वज़ी तारशही ورضا نفسه ومن كلماته اللهم لا نوصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك واجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلينا ومن ماء بارد اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة يا أرحم الراحمين أم سبھی أبني اپنی محبت نصیب فرما اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما حلال رشتوں کی محبت نصیب فرما ہمیں فسق و فجور سے محفوظ فرما ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما ہمارے گناہوں کو فرما ہمارا ظاہر باطن हर किस्म की स्याही से पाक फरमा ए बोला हमारा दुआन भी गुनाओं की गंदगी से पाक फरमा और हमें जिस्मानी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी सेहत नसीब फरमा ए बोला अपने फजल से अपने कर्म से हम सभी को ईमान की हकीकत नसीब फरमा ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा आखरत की सच्ची फिक्र नसीब फरमा दुनिया आफियत वाली अता फरमा बरकत वाली अता फरमा फितनों से महफूज फरमा या अरम्न तमाम हाजरीन हादिरत की तमाम जायेद को पूरा फरमा मुश्किल को आसान फरमा परेशानियों को ख़त्म फरमा बुरी ज़िंदगी से बुरी मौत से बुरे हालात से बुरे लोगों से गुनाओं की नगुसतों से महफोज फरमा यह अरहमर हमेशा हलाल ताफरमा बरकत वाला ताफ़रमा नमतों की ज़िंदगी नसीब फरमा शक्र की ज़िंदगी नसीब फरमा एहसान फरामोशी से नशोक्री से महफूज फरमा आदि सात सात से मुज़ी और देर पा बीमारियों से महफूज़ फरमा यह अरहमर अपने फ़दल से हमें अपने बच्चे बच्चियों में खुशियाँ नसीब फरमा हमें अपने बड़ों के लिए सदका जारिया बना राहत का जरिया बना हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया राहत का जरिया बना औलादों की आजमाइशों से महफूज फरमा आरखमर्रमन बच्चे बच्चियों की तालीम, तरबियत ज़िंदगी के सही फ़ैसले करने के तोफ़ी अदा फरमा औलादों की आजमाइशों से महफूज फरमा यह आरखम्रम जो बच्चियाँ घरों में हैं उनके लिए नेक साले रिश्तों का इंतज़ाम फरमा जो बच्चियाँ घरों में जा चुकी उनके घरों को मोहब्बत और तकबे से आबाद फरमा टूट फूट से महफूज फरमा गलतफहमियों से महफूज़ फरमा बदगुमानियों से महफूज फरमा बेदीनी और बेहज से महफूज फरमा बेपर्दगी और हर किस्म की मनाफरमानियों से महफूज फरमा या हमीन हम सब के हाल पे रहम फरमा है अला हम सब के हाल पे रहम फरमा हमारे शहर पे रहम फरमा हमारे मुल्क पे रहम फरमा या हमर राहन पूरी उम्मत मुसलिमा के हाल पे रहम फरमा फ़लस्तीन के मजलुँ मुसलमानों की बहन भाइयों की हिफाजत फरमा है मोला तो उनकी मदद और नुसरत फरमा ऐ बोला उनकी तो मदद और तो नुसरत फरमा वहाँ अपनी कुदरत के अजायबाद दिखा ऐ बोला उन आजमाइशों में घिरे भाइयों के दिलों में सुकून पैदा फरमा उनके दिलों में सकीना नाजिल फरमा उन्हें साबित कदमी नसीब फरमा बोला मोलाए करीम उनके को मूल फरमा कर उम्मत में ईमानी बेदारी फरमा उम्मत में ईमान इस्लामी बेदारी फरमा उम्मत में वहादत पैदा फरमा ए मोलाए करीम उम्मत में लाएं 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 लाएं। लाएं 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 دينك إيمانك هواو عام فرما يا أرحم الراحمين هم حال فرهم فرما يا مولا حال فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رحمتك يا رب